नमस्कार, मैं हूं जहरा शान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम भाग्य चक्र। रक्षाबंधन का इंतजार भाई और बहन साल भर करते हैं। इस बार अच्छी बात यह है कि इस बार रक्षाबंधन के दिन भद्रा नहीं लग रही है, इसलिए पूरे दिन रक्षा सूत्र बंधवाया जा सकता है। लेकिन आपको ये जानना भी जरूरी है कि आपकी कलाई में आपकी राशि के अनुसार किस रंग का धागा बंधवाने से भाई और बहन दोनों को लाभ मिल सकता है। और खास तौर से भाइयों के लिए भी ये जानना जरूरी है कि वो अपनी राशि के हिसाब से कौन सा उपहार अपनी बहन को दे दें, जिससे दोनों के लिए शुभता बढ़े। और इससे पहले हम आपको ये भी बताएंगे कि रक्षाबंधन के दिन किस मुहूर्त में रक्षा सूत्र बंधवाया जा सकता है। आपके हर सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य धनंजय जी। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना ये खास कार्यक्रम भाग्य चक्र। गुरुजी, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि राखी बंधवाने का शुभ मुहूर्त इस बार क्या है। जी, ये जो तिथि है इस बार की बहुत ही विशिष्ट तिथि है। इस दिन किसी भी प्रकार का कोई भी संशय नहीं है। कई बार ऐसा होता था कि जातक मति भ्रम का शिकार हो जाते थे। अक्सर ये चर्चा होती थी कि अमुक समय से अमुक समय तक ही इस प्रकार की क्रिया की जा सकती है, लेकिन इस बार के रक्षाबंधन पर किसी भी प्रकार की कोई भी अशुभ स्थिति निर्मित नहीं हो रही। इस बार का जो रक्षाबंधन है वो हर प्रकार से शुभ फल देने वाला है। सूर्योदय के पश्चात अर्थात 5:59 से ये आरंभ होगा और सायंकाल 5:25 तक लगातार मुहूर्त बना रहेगा। किसी भी प्रकार का कोई भी संशय, कोई भी भ्रम किसी भी जातक के लिए बिल्कुल भी नहीं। हर प्रकार से मंगलकारी योग है और कहीं से भी किसी बात को लेकर के चिंतित होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ये जो रक्षा सूत्र है ये हमें शुभता प्रदान करने वाला है, हमें धन धान्य से पूर्ण करने वाला है, हमारे रिश्तों को, हमारे संबंधों को मजबूत करने वाला है। पौराणिक समय से धार्मिक संदर्भों में, पुराने ग्रंथों में जो उल्लेख मिलता है, देवताओं और राक्षसों के युद्ध के समय से ही इस क्रिया का आरंभ हो चला था। प्राचीन ग्रंथों में स्पष्ट इस बात का उल्लेख मिलता है कि जब राक्षस युद्ध के दौरान देवताओं पर विजयी हो रहे थे और राक्षस बहुत बलवान थे, तो उस समय इंद्र की पत्नी इंद्राणी देवताओं के गुरु बृहस्पति के पास जाती है और इंद्र भगवान से ये विनती करती हैं कि आप देवगुरु बृहस्पति के हाथों में दाहिने हाथ की कलाई में रक्षा सूत्र बांध करके इनसे आप विजयी होने का आशीर्वाद लीजिए। और देवगुरु बृहस्पति इंद्र को विजयी होने का आशीर्वाद देते हैं और तभी से इस प्रक्रिया का आरंभ होता है। ऐतिहासिक संदर्भों में जो युद्ध की प्रक्रिया थी, जहाँ पे मेवाड़ राजघराने की जो महारानी थी, उन्होंने हुमायूं से रक्षा करने के लिए, अपनी सहायता करने के लिए कहा था और हुमायूं ने रक्षा सूत्र का दायित्व निभाया था। ये प्रक्रिया हर प्रकार से शुभ, धार्मिक और ऐतिहासिक मानी जाती है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं
कि कौन सा धागा किसके लिए शुभ रहेगा। यानी आपको अगर राखी पहननी है या किसी बहन को अपने भाई को राखी बांधनी है तो उनके भाई की राशि के अनुसार उनके लिए किस रंग की राखी शुभ रहेगी। गुरु जी, अगर हम शुरुआत की तीन राशियों की बात करें, मेष, वृष और मिथुन की बात करें, तो इन राशियों के जातकों के लिए कौन सी राशि किस रंग की राशि शुभ रहेगी। जी, मेष राशि के जातक, आपके लिए रक्तवर्ण अर्थात लाल रंग का धागा शुभ रहेगा। आपके स्वामी मंगल होते हैं, मंगल का वर्ण रक्तवर्ण है। लाल रंग का धागा आपके लिए सदैव मंगलकारी रहने वाला है। आपको दाहिने हाथ की कलाई में रक्तवर्ण के रेशम के धागे का प्रयोग करना चाहिए, जो कि हर प्रकार से आपके लिए शुभ होगा, मंगलकारी होगा। मेष राशि के जातकों को इस बात का विशेष ध्यान रखना है। इसके पश्चात हम लोग चर्चा करेंगे वृष राशि के जातकों पर। वृष राशि के जातक, आपके स्वामी शुक्र है। शुक्र का जो रंग होता है हल्की सी पीले रंग के क्रम में, अर्थात जिसको हम आधुनिक भाषा में क्रीम कलर कहते हैं, हल्का पीला पन लिए हुए उस धागे का प्रयोग करिए। एक बात का विशेष रूप से मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि रेशमी धागे का प्रयोग करिए, जो कि आपके लिए हर प्रकार से मंगलकारी रहेगा। किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा को ये धागा दूर करता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, दीर्घायु होने के दृष्टिकोण से, धन धान्य से पूर्ण होने के दृष्टिकोण से, हर प्रकार से आपके लिए मंगलकारी रहने वाला है। अब वृष राशि के बाद बारी आती है मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातक, आपके लिए हरे रंग का प्रयोग करना है। आप हरे रंग के धागे का प्रयोग करिए, इससे सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी। आपकी राशि के स्वामी बुध होते हैं और बुध ग्रह का जो रंग है वो हरा रंग है। आपको इस रंग का प्रयोग करना है, इससे आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। और गुरु जी, अब अगर आगे की तीन राशियों की बात करें, कर्क, सिंह और कन्या राशि की बात करें, तो इन जातकों के लिए किस रंग का धागा शुभ रहेगा। जी, सबसे पहले हम लोग आरंभ करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के जातक, आपके स्वामी चंद्रमा है। आपको सफेद रंग का प्रयोग करना है, श्वेत रंग जिसको कहते हैं, जो कि आपके लिए हर प्रकार से शुभ और मंगलकारी होगा। आप सफेद रंग के धागे का प्रयोग करिए। आपके स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा का रंग आपको प्रयोग में लाना है। इस रंग का प्रयोग करने से आपके जीवन की समस्त बाधाएं दूर हो जाएंगी और हर प्रकार से लाभकारी सिद्ध होगा। अब बारी आती है कर्क राशि के बाद सिंह राशि की। सिंह राशि के जातक, आपको मैरून रंग का प्रयोग करना है। गाढ़े लाल रंग को मैरून कलर कहते हैं, जिसमें भूरे रंग का मिश्रण होता है। इस रंग का प्रयोग करना आपके लिए शुभ होगा। सिंह राशि के बाद बारी आती है कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के जातक, आपके स्वामी भी बुध है, अतः आपको भी हरे रंग का प्रयोग करना है। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जो रक्षा सूत्र आप प्रयोग में लाएं, इसका विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करा लें और इसको दूध से, जल से धुल करके खूब साफ तरीके से विधि विधान से पूजन करके, जैसे कि तलक लगा करके, अक्षत का प्रयोग करके, पुष्पों का प्रयोग करके, दीपक का प्रयोग करके, और तब इस प्रक्रिया का पालन करिए। इससे आपकी समस्त बाधाएं दूर हो जाएंगी। गुरुजी, अब आगे की राशियों की अगर बात करें हम और तुला, वृश्चिक, धनु राशि की बात करें, तो इन राशियों के जातकों को कौन से रंग का धागा बंधवाना चाहिए। जी, सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के जातक, आपके लिए क्रीम कलर, क्योंकि आपके स्वामी भी शुक्र ग्रह है, आपको क्रीम रंग का इस्तेमाल करना है। क्रीम कलर के धागे का प्रयोग करिए, इससे आपके जीवन में शुभता आएगी। देखिए, ये त्योहार तो सभी राशियों के लिए है,
सभी राशि नक्षत्र में जन्मे जातक इस त्यौहार को मंगल कामनाओं के साथ मनाते हैं। लेकिन यदि आपको अपनी वैदिक राशि अर्थात जो चंद्र राशि है, कभी कभी क्या होता है कि जातक राशियों में भी भ्रमित हो जाते हैं। कई ऐसे जातक होते हैं जो इस प्रकार का निर्णय नहीं ले पाते हैं कि हम राशि का निर्णय कैसे लें। सूर्य राशि और चंद्र राशि अर्थात एक पाश्चात्य पद्धति है जिसमें कि सूर्य राशि का इस्तेमाल होता है। ये जो राशियां हम लोग बता रहे हैं ये वैदिक प्रक्रिया है, अर्थात जो जन्म के नक्षत्र की राशि है उस नक्षत्र की राशि के अनुसार आपको इस विधि का पालन करना है। तुला राशि के बाद अब बारी आती है वृश्चिक राशि के जातक। वृश्चिक राशि के जातक, आपके स्वामी मंगल ग्रह है, आपको रक्त वर्ण का प्रयोग करना है अर्थात लाल रंग का प्रयोग करना है। इससे आपके जीवन की समस्त बाधाएं दूर हो जाएंगी और आपके लिए हर प्रकार से लाभकारी सिद्ध होगा। वृश्चिक राशि के बाद बारी आती है धनु राशि की। धनु राशि के जातक, आपके स्वामी गुरु है, बृहस्पति को देवताओं का गुरु कहा गया है। आपके लिए पीला रंग हर प्रकार से शुभ रहेगा, पीले रंग का आप प्रयोग करिए, इससे आपके जीवन की समस्त बाधाएं दूर हो जाएंगी। धनु राशि के बाद अब बारी आती है मकर राशि की। मकर राशि के जातक, आपके स्वामी शनि है। जी गुरु जी, ये मकर, कुंभ और मीन के बारे में भी बताइए कि इन राशि के जातकों को किस रंग का धागा पहनना चाहिए। बिल्कुल, आरंभ करते हैं मकर राशि से। मकर राशि के जातक, आपके स्वामी शनि है, आपको नीले रंग का प्रयोग करना है जो कि आपके लिए हर प्रकार से शुभ और मंगल होगा। मकर राशि के बाद बारी आती है कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातक, आपके स्वामी भी शनि है अर्थात आपको भी नीला रंग ही प्रयोग में लाना है। और कुंभ राशि के बाद अंतिम में बारी आती है मीन राशि के जातकों की। मीन राशि, आपके स्वामी गुरु हैं, इसका अर्थ यह हो गया कि आपको भी पीले रंग को प्रयोग में लाना है, पीले रंग के धागे का प्रयोग करें, इससे आपके जीवन में शुभता आएगी। तो हमने आपको बताया कि आपको किस रंग की राखी बंधवानी है, साथ ही अब हम आपको बताएंगे कि राशि के अनुसार आप अपनी बहनों को क्या गिफ्ट दे सकते हैं। गुरुजी, हमारे दर्शकों को बताइए कि अगर हम शुरुआत की तीन राशियों की बात करें तो अगर किसी की बहनें इस राशि की हैं तो उन्हें क्या गिफ्ट देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले आरम्भ करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के जातक, आपके लिए लाल रंग की कोई भी वस्तु, यदि आप किसी भी प्रकार का उपहार देना चाहते हैं तो हर प्रकार से, चूंकि आपकी राशि के स्वामी मंगल है तो आपको लाल रंग की वस्तुओं को ही प्रयोग में लाना चाहिए। इस प्रकार के जो जातक हैं जिनकी मेष राशि है तो उनके ऊपर विशेष रूप से मंगल ग्रह का प्रभाव होता है। जिंक धातु से बनी हुई वस्तुएं भी आपके लिए सदैव शुभ और मंगलकारी होंगी। आपको लाल रंग का ड्रेस या लाल रंग की ही वस्तुओं को उपहार में देना चाहिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। मेष राशि के बाद बारी आती है वृष राशि के जातकों की। जिन जिन जातकों को अपनी चंद्र राशि का बोध है उनको इस प्रकार से अवश्य इस चीज का अनुसरण करना चाहिए। आपको संगमरमर की जो चीजें हैं उसके बारे में संवेदनशीलता रखनी होगी। शुक्र से संबंधित श्वेत रंग अर्थात हल्का सा पीलापन लिए हुए किसी भी वस्तु का आप उपहार दीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, चूंकि शुक्र से संबंधित परफ्यूम होता है, किसी भी प्रकार का कोई भी परफ्यूम या रेशमी वस्त्र ये शुक्र के दायरे में। वृष राशि के बाद बारी आती है मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि, आपके स्वामी बुध ग्रह है, आपको हरे रंग की वस्तुओं का प्रयोग करना है।
मिथुन राशि के जातकों को इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप हरे रंग की वस्तुओं का प्रयोग करें उपहार के लिए। गुरुजी, अब हम अगर आगे की राशियों की बात करें, कर्क सिंह कन्या राशि की बात करें, तो इन राशि की अगर कोई बहनें हैं तो भाइयों को क्या गिफ्ट देना चाहिए इन्हें? बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले आरंभ करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के जातक, आपके स्वामी चंद्रमा हैं, आपको सफेद रंग का प्रयोग करना है। सफेद रंग का अर्थात चंद्रमा के लिए तो सर्वोत्तम होता है मोतियों की माला, सीप से बनी कोई भी वस्तु या सफेद रंग का कोई भी उपहार आप दें, इससे सदैव रिश्तों में भी मधुरता रहेगी और स्वास्थ्य आर्थिक स्थिति पर भी, चूंकि आपकी राशि के ऊपर चंद्रमा का बहुत ही गहरा प्रभाव होता है, आपको इसी प्रकार की वस्तुओं को उपहार में देना चाहिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। कर्क राशि के बाद बारी आती है सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि, आपके स्वामी सूर्य है, सूर्य को अग्नि तत्व का ग्रह कहा जाता है। सूर्य के लिए सबसे अच्छी बात मैं कहूंगा कि या तो कोई लॉकेट दे दें, लॉकेट में स्वर्ण धातु का प्रयोग हो, या फिर इस प्रकार की कोई धातु दे जो कि अग्नि तत्व से संबंधित हो, सोने का आभूषण हो, तांबे की वस्तु हो, या कोई भी लकड़ी की ऐसी वस्तु हो जो कि सुनहरे रंग की हो, तो इससे आपको विशेष रूप से लाभ मिलेगा। सिंह राशि के बाद बारी आती है कन्या राशि की। कन्या राशि के जातक, आपके स्वामी बुध हैं, बुध ग्रह का रंग हरा होता है, हरे रंग की कोई भी वस्तु आप उपहार में दे सकते हैं, या कांसे की धातु की जो प्रयोग किया गया हो, कोई बर्तन हो या कोई भी ऐसी वस्तु जो गिफ्ट के लिए उपहार के लिए प्रयोग में लाई जाए, उसको आप उपहार के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। गुरुजी, अगर तुला वृश्चिक और धनु राशि की बात करें तो इन राशि की अगर बहने हैं तो उन्हें क्या गिफ्ट दिया जा सकता है भाइयों के द्वारा? सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के जातक, आपके स्वामी शुक्र है और शुक्र के लिए कार या परफ्यूम या कोई भी ऐसी वस्तु जो कि सुविधा से, आराम से जिसका संबंध हो, जीवन शैली से जिसका संबंध हो, तुला राशि के जातकों के लिए ये बहुत ही शुभ रहेगा। तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि का हम लोग प्रयोग करते हैं। वृश्चिक राशि, आपके स्वामी मंगल ग्रह है और मंगल ग्रह अग्नि तत्व से संबंधित होते हैं। मंगल के लिए जो रंग है वो रक्त वर्ण है, लाल रंग है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप इनको कोई रत्न, आभूषण, अंगूठी भी दे सकते हैं उपहार में, या भोज्य पदार्थों में मिठाई भी दे सकते हैं, इससे इनको विशेष लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि के बाद बारी आती है धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के स्वामी गुरु है, गुरु सभी देवताओं के बृहस्पति देव गुरु माने जाते हैं और उच्चतम ज्ञान के कारक ग्रह कहे जाते हैं। पुस्तकें सर्वोत्तम होंगी यदि आप पुस्तक, कोई अच्छी सी पुस्तक इनको उपहार में देते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए पुस्तक या स्वर्ण धातु का कोई भी आभूषण या कोई भी उपहार या पीले रंग की किसी भी वस्तु का आप प्रयोग कर सकते हैं। गुरुजी, अगर हम मकर, कुंभ और मीन की बात करें तो अगर इन राशियों की बहनें हैं तो भाई अपनी इन राशियों की बहनों को क्या गिफ्ट दे सकते हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा अच्छा क्या रहेगा? जी, आरंभ करते हैं मकर राशि से। मकर राशि, आपके स्वामी शनि है। शनि के लिए जो रंग है वो नीला रंग है। सबसे पहले एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, शनि देव तकनीकी बुद्धि के स्वामी है। आप कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल भी आप उपहार में दे सकते हैं, जो कि मकर राशि के लिए, कुंभ राशि के लिए सर्वोत्तम होगा, क्योंकि शनि को वायवी तत्व का स्वामी कहा जाता है। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ,
कि जो भी जातक चाहते हैं वाहन भी उपहार में दे सकते हैं, क्योंकि शनि के लिए ऑटोमोबाइल क्षेत्र भी बहुत ही शुभ माना जाता है। मकर राशि के बाद बारी आती है कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातक, आपके स्वामी भी शनि है, आप लोग भी इस चीज का पालन कर सकते हैं कि आप कोई वाहन दे सकते हैं, कंप्यूटर दे सकते हैं या कोई ऐसी चीज दे सकते हैं जो कलात्मक वस्तु हो। नीलम की आभूषण भी आप प्रयोग में ला सकते हैं या कोई रत्न भी आप प्रयोग में ला सकते हैं जो कि शनि से संबंधित है, जैसे कि नीली है, जमुनिया है, नीलम है या कोई ब्रासलेट है, इसका प्रयोग करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। गुरुजी, साथ ही हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि इस बार कहा जा रहा है कि भद्रा नहीं लगेगी जी, तो ऐसे में इसका क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ है? सबसे पहले आप सभी जातकों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि सदैव हम लोगों से जातक प्रश्न करते थे कि राहु काल या भद्रा या किस तिथि तक, किस नक्षत्र तक, किस समय तक हमको इस प्रक्रिया का पालन कर लेना है, कब कौन सा शुभ मुहूर्त है। इस बार इस प्रकार की कोई भी वर्जना बिल्कुल भी नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। सूर्योदय के पश्चात आपके पास पूरे दिन का समय है, बहुत ही शुभ मुहूर्त में इस बार का रक्षाबंधन है, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी भ्रम बिल्कुल भी नहीं रखना है, कोई भी भ्रम, कोई भी अंधविश्वास मस्तिष्क में बिल्कुल भी नहीं रखें। सुबह सूर्योदय के पश्चात सर्वोत्तम होता है कि आप सुबह सुबह ही इस प्रक्रिया का पालन कर लें। स्नान करने के बाद चंदन का प्रयोग करें, दीपक का प्रयोग करें, पुष्पों का प्रयोग करें, अक्षत का प्रयोग करें और मिठाई का प्रयोग करें। भाई बहन दोनों के लिए परस्पर इस संबंध का बहुत ही संवेदनशीलता से इसकी व्याख्या होती है, लेकिन ये आचार्यों के साथ भी मनाया जाता है, ऐसा प्राचीनतम ग्रंथों में स्पष्ट उल्लेख है। अब एक ऐसी भी परंपरा का आरंभ किया गया है जो कि सामाजिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी ये बहुत ही शुभ है। वृक्षों को भी राखी बांधने का चलन है जो कि हमारे लिए बहुत ही शुभ और अनिवार्य है, क्योंकि वृक्ष भी हमें संरक्षण देते हैं, हमें जीवन देते हैं। वृक्षों को भी राखी बांधनी ही चाहिए क्योंकि वृक्ष हमारे पर्यावरण की रक्षा करते हैं, हमें जीवन देते हैं। जो भी प्रक्रिया हमें सुरक्षा देती है, संरक्षण देती है, जैसे आचार्य हैं, गुरुजन हैं, वृक्ष हैं, भाई बहन हैं, तो इस प्रक्रिया का पालन करने का संविधान है। प्राचीन काल से धार्मिक संदर्भों में इसकी स्पष्ट व्याख्या मिलती है। गुरुजी, अंत में हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि जो मीन राशि के जातक हैं, उनके लिए क्या उपहार लिया जा सकता है? बिल्कुल, मीन राशि के जातक, आपके स्वामी गुरु है, आपके लिए मछली, चूंकि जल तत्व की राशि है, जो एक्वेरियम है, आजकल बहुत ही अत्याधुनिक एक्वेरियम उपलब्ध है जो कि दिखने में बहुत सुंदर भी हैं और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से ये बहुत ही लाभकारी भी होते हैं, या स्वर्ण धातु का कोई भी आभूषण हो, चूंकि गुरु पीले रंग के हैं, पीले रंग की किसी भी वस्तु को आप उपहार में दे सकते हैं, इससे आपको लाभ मिलेगा। और कार्यक्रम के अंत में हम दो लकी कुंडली भी लेते हैं, तो आज की पहली लकी कुंडली हमारे पास उन्नाव से आई है एस कुमार की। गुरुजी, इनकी कुंडली के बारे में बताइए जी। एस कुमार वाजपेयी जी, आपकी लग्न मीन है, मेष राशि के आप जातक हैं, चंद्रमा, सूर्य और बुध तीन ग्रहों की युति धन के भाव में बन रही है। लग्नेश और दशमेश होकर के बृहस्पति भाग्य स्थान पर बहुत ही शुभ स्थिति में विराजमान है। आपको एक उपाय सबसे पहले मैं बताऊंगा कि एक पुखराज नाम का रत्न आप धारण करिए, निश्चित रूप से बृहस्पति को भाग्य स्थान पर नवम स्थान पर परम शुभ माना गया है।
एक पुखराज नाम का रत्न धारण करिए, आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान हो जाएगा। दूसरी एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि भाग्येश मंगल अपने घर को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं और पराक्रम के भाव में विराजमान है। आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। और दूसरी लकी कुंडली हमारे पास आई है मुंबई से, जो कि निकिता की है। गुरु जी इनके बारे में बताइए। निकिता जी, आपकी मकर लग्न है, राहु का सप्तम भाव में विराजमान होना अशुभ माना गया है। आप कुंभ राशि की जातक हैं और चंद्र कुंडली के अनुसार पूर्ण रूपेण मांगलिक हैं। भगवान शिव जी की आराधना करिए, इससे आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो अगर आपके भी मन में कोई प्रश्न है या अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली हम यहां पर दिखाएं, तो आप अपना प्रश्न और अपनी कुंडली हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है bhagyachakra1530@gmail.com और इसके अलावा आप कॉल करके भी संपर्क कर सकते हैं 9565001891 पर। गुरुजी, हमारे आप स्टूडियो में आए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।